आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, द क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ लेज हिज आई की हैंड ऑन किंग्स। क्या मीनिंग हुआ गिवन सेंटेंस का? कि जो डेथ है उसे एक उद्देश्य मतलब उदासीन मनुष्य के किंग के रूप में जाना जाता है, राइट? यही बोल रहा है, वो कह रहा है। सो जो करेक्ट क्या है इसके अंदर? ए ऑप्शन मेटाफर, बी पर्सोनिफिकेशन, सी एपोस्ट्रोफेट एंड डी सिमिली, राइट? सबसे पहले हम इनके मीनिंग जानते हैं। मेटाफर्स कब यूज होते हैं? मेटाफर्स तब यूज होते हैं जब हम एक एक्सप्रेशन कर रहे होते हैं किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने का, राइट? एन एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, दैट डिस्क्राइब अ पर्सन। सो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नाउ कम टू सी ऑप्शन, एपोस्ट्रोफेट। एपोस्ट्रोफेट का मतलब होता है व्हेन अ कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क, व्हेन अ कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क स्पीक्स टू एन ऑब्जेक्ट, राइट? सो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन है सिमिली। सिमिली मीन्स क्या होता है? जब हम कंपेयर करते हैं एक चीज को दूसरे से, राइट? सो हम ये कंपेयर भी नहीं कर रहे, मीन्स कंपेयरिंग के लिए यूज होता है, राइट? सो ये ऑप्शन भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज बी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स एक्ट ऑफ गिविंग ह्यूमन क्वालिटी, एक्ट ऑफ गिविंग ह्यूमन क्वालिटी, राइट? सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।